हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और हम निकल रहे हैं लेह लद्दाख के लिए। लगभग 6 बज चुके हैं और शाम को 6 बजे तक हमें लद्दाख पहुंचना है। तो ओके जी, आगे मिलते हैं। और हम जा रहे हैं मनाली से अब लद्दाख के लिए। हेलो गाइस, अभी हम मनाली से निकले हैं। मनाली के आगे हमारे पंचाल गांव में आ चुके हैं। पंचाल गांव से दो रास्ते जाते हैं, एक जाता है अटल टनल होते हुए और एक जाता है रोहतांग पास होते हुए। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो अटल टनल से जाएं। अटल टनल से जाने के लिए आपको 2 से 3 घंटे आपका टाइम बचेगा, तो अटल टनल से जाएं। हम जा रहे हैं अटल टनल के रास्ते और हमें शाम को 6 बजे तक लेह लद्दाख पहुँचना है। तो देखते हैं कितना टाइम हम कवर कर सकते हैं। हे गाइस, मैं हूँ एडवेंचर धीरेंद्र। ये आप दो रास्ते देख रहे हैं, ये दो रास्ते का महत्व बताता हूँ। ये देखो, ये अभी नया रास्ता बना है लेह लद्दाख के लिए। तो आप देख रहे हैं सोलंग वैली 3 किलोमीटर है, केलोंग यहाँ से 57 किलोमीटर, अटल टनल 14 किलोमीटर है और लेह लद्दाख है 423 किलोमीटर। सरचू है 164 किलोमीटर। सरचू पहुँचने के बाद हम रात को स्टे कर सकते हैं। और ये देखो गाइस, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी हम ले जा रहे हैं यहाँ से। आप देखो, दो रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं। एक रास्ता जा रहा है, दिखाओ एक रास्ता, एक रास्ता जा रहा है रोहतांग पास होते हुए और एक रास्ता जा रहा है अटल टनल होते हुए। अगर आप लेह लद्दाख जाने की सोच रहे हैं तो इस रास्ते से ना जाएं, इस रास्ते से आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम अटल टनल वाला रास्ता ले रहे हैं और ये रास्ता रह गया आपका रोहतांग पास वाला। तो आगे दिखाइए, हम जा रहे हैं अटल टनल के रास्ते से और सोलंग वैली होते हुए अटल टनल, अटल टनल के बाद सिसु के बाद जो भी पॉइंट आएंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन में देते रहेंगे। और गाइस, जिसको भी ले जाने के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमारे लिए इंस्टाग्राम पे डीएम करें। और हम आप निकल चुके हैं सफ़र की तरफ। दिखाइए सफ़र के नज़ारे। और केलोंग यहाँ से 6 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं केलोंग। ले गो ले गो ले गो ले गाइस, तो अभी हम केलोंग में आ चुके हैं। ये देखो केलोंग, और मेरा चश्मा मैंने कल ही किसी ने गिफ्ट दिया है, मेरे दोस्त हैं श्री संदीप सिंह जी और संदीप राणा जी, इन्होंने मुझे ये दिया है केलोंग का बोर्ड। देखो गाइस, केलोंग दिखाओ, जबरदस्त वाला केलोंग।
गाइस साहब, हम केलोंग में आ चुके हैं। अभी हम केलोंग में हैं और गाइस देखो, हमें भेड़ों के झुंड मिल रहे हैं। बहुत ही सुंदर भेड़ दिख रही है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लग रहा है भेड़ों के साथ चलते हुए। और हम अभी केलोंग में हैं। आप केलोंग के नज़ारे देखो, केलोंग की मार्केट है। अगर आपने कुछ खरीद के रखना है अरे रुक जाए, मिल तो जाएगी, केलोंग से खरीद के रख सकते हैं। हे गाइस, तो हम कैमूर पहुंच चुके हैं। अभी लेह के रास्ते में कैमूर पड़ रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पे जिस्पा है। अभी हम आगे जिस्पा में रुकेंगे। यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर कैमूर है। तो आपको अगर चाय पीने के लिए या मैगी खाने के लिए रुकना है तो यहाँ रुक सकते हो कैमूर में। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू है और व्यू के साथ साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके जी, अभी हम जिस्पा पहुँच के आपको मिलाते हैं जिस्पा में। ये देखो कैमूर का दोस्त, कैमूर का दोस्त है। तो गाइस, जिस्पा 5 किलोमीटर रह गया है। आपको जिस्पा में देखो बहुत सारे कैंप दिख रहे हैं। अगर आपको नाइट होल्ड करना है तो आप जिस्पा में ये कैंप है, यहाँ पर रुक सकते हो। इसके आगे आपको बहुत कम अवेलेबिलिटी मिलेगी, तो आप जिस्पा में आकर रुक सकते हो। ये रहा जिस्पा, देखो जिस्पा में बहुत सारे कैंप हैं यहाँ पे। तो ये जितने भी कैंप हैं उन कैंपों में आप आके रुक के स्टे कर सकते हो। ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेने से यहाँ पे बहुत जल्दी ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो यहाँ आराम से आपको चलना है। और जिस्पा हो गया पार। ये आ गई जयरयाल चिकन शॉप। ये देखो सारे आप कैंप देख रहे हो जिस्पा में। जिस्पा में सरचू में आपको इसी टाइप के कैंप मिलेंगे गाइस, तो आप देख लो। ये देखो मटन जा रहा है। ये देखो जिस्पा में कैंप, बहुत सारे कैंप हैं। नहीं होगा? अच्छा चलो, नहीं है भाई जी। हाँ 9-10 तारीख तक तो रूम मिलना है मिस कर दिया। अच्छा ये गाइस, ये कर्मा कॉटेज है जिस्पा में। अगर आप लोग ले जा रहे हैं तो जिस्पा में आप रुक सकते हैं। कर्मा कॉटेज आप यहाँ देख रहे हैं, कॉटेज भी है और कैंप भी है। और इनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। कर्मा कॉटेज पे आके रुकेंगे आपको तो बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी यहाँ पे। ओके जी, हम पहुँच चुके हैं अभी धारचा में। ये जिप्सास के बाद धारचा आ रहा है। तो ये धारचा का ब्रिज देखो, कितना अल्टीमेट ब्रिज बनाया है गवर्नमेंट ने। पहले यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी और अब आपको कोई दिक्कत नहीं है ले जाने के लिए। धारचा हम पहुँचने वाले हैं गाइस। यहाँ का व्यू देखो कितना ज़बरदस्त हो रहा है और आप आराम से अब आ सकते हो ट्रिप करने के लिए। तो अब ज़्यादा दिक्कतें रही नहीं लेह लद्दाख जाने के लिए। भाई साहब, धारचा पहुंच चुके हो तो यहाँ पे आपका एक चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट में करना पड़ेगा गाड़ी की एंट्री। गाड़ी की एंट्री के बाद इधर लाओ ना। धारचा चेक पोस्ट है, जब आप ले जाएंगे तो धारचा चेक पोस्ट पर एंट्री करवा के फिर आपको आगे बढ़ना है। गाइस धारचा में आ गए हैं हम। धारचा में चेक पोस्ट करवाने के बाद यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर, अपना नाम, कितने लोग हैं ये लिखवाना पड़ेगा। इसके बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो धारचा में एंट्री ज़रूर करवाएं मैं। इसके बाद आपकी एंट्री होगी सरचू में। यहाँ तक जो लगता है वो आपका हिमाचल बॉर्डर लगता है और हिमाचल बॉर्डर पे आपको पूरी एंट्री करवानी है। नाम लिखवाना है, मोबाइल नंबर लिखवाना है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये देखो मेरे साथ कलाई है संदीप राणा। क्या हाल है संदीप? गैस, इलेक्ट्रिक कैटल, खाने का सामान सब कुछ लेके चले हैं। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में गाइस। आप एंजॉय करो। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, एडवेंचर धीरेंद्र।
ओके जी, बाय बाय जी, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अरे कहाँ जाना है हमने? बनाओ ना, बनाओ, शुरू करो। तो गाइस ये देखो क्या लिखा है, पहले ये दिखाओ क्या लिखा है। ये चीका, चीका। तो गाइस हम चीका में, आपने चीका जाना है तो सीधे जाना है, दिखाओ इधर चीका। और अभी हम जा रहे हैं ले, तो ले के लिए अब हम यहाँ जा रहे हैं। देखो ले के लिए हम यहाँ जा रहे हैं, मनाली नीचे है। तो गाइस अब यहाँ से आपके लिए थोड़ा कर्व शुरू हो गए हैं बहुत ज़्यादा, कैंचियाँ। तो पूरी कैंचियाँ हिंदी भाषा में बोलेंगे कैंचियाँ, हिमाचली लैंग्वेज में बोलेंगे कैंचियाँ, वैसे बोलेंगे कर्व। तो यहाँ से कर्व शुरू हो गया है और पेस्तो रह गया है 10-12 किलोमीटर यहाँ से। पेस्तो रह गया 12 किलोमीटर। और यहाँ से देखो अब आपको व्यू बहुत अच्छे दिखेंगे। व्यू के साथ साथ अपनी सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो आप अपने साथ हो सके तो ऑक्सीजन लेके चलें यहाँ के बाद, और ऑक्सीजन ना हो तो आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, ये बॉटल है, मैंने बॉटल में पानी रखा है, आप देख रहे हो इसके नीचे गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन। ये हमारे घर में मिल जाता है। मान लो आप यहाँ जा रहे हो और अगर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो आपने क्या करना है, 8-10 लहसुन को छील के इस बॉटल में रख लेना है, ठीक है। बॉटल में रखने के बाद जहाँ आपको लगे सर में दर्द हो रहा है या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही है, ढक्कन खोलो, 2 घूंट पानी पियो, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे, तो कोई ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आगे दिखाता हूँ, मेरे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर भी हैं, उसको यूज कैसे करते हैं और कैसे कैसे कहाँ पे रास्ते में आपको क्या क्या लेना है, तो आप मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके जी, आगे ज़रा व्यू दिखाइए गाइस। तो गाइस यहाँ से व्यू देखो बहुत अच्छा शुरू हो गया है। गाइस आप देख रहे हैं दीपक ताल, हम आ चुके हैं दीपक ताल में। गाइस आप देख रहे हैं दीपक ताल, ये देखो दीपक ताल, हम आ चुके हैं दीपक ताल में। और दीपक ताल में बहुत ही सुंदर पानी हो रहा है, बिल्कुल साफ पानी हो रहा है, जैसे मिनरल वाटर होता है इस तरीके से मिनरल वाटर हो रहा है दीपक ताल के अंदर। ये गाइस आप देख रहे हैं दीपक ताल, पहले हम रुके थे धारचा में, धारचा के बाद रुके हैं हम दीपक ताल में। ये आप देखो दीपक ताल का व्यू, यहाँ पे रुक के आप मैगी वगैरह खा सकते हो, अगर आपको भूख लगे तो चाय पानी मैगी ले सकते हो। और ये देखो दीपक ताल, बहुत ही अमेजिंग व्यू है दीपक ताल का। और यहाँ देखो व्यू, देखो कितना अल्टीमेट व्यू है, पीछे दिखाओ जरा, ये दिखाओ। तो आपको साइन बोर्ड दिखाते हैं, दीपक ताल पे हम पहुँच चुके हैं और आगे बढ़ते हैं सरचू के लिए। ओके जी, बाय बाय। तो आप गाइस सूरज ताल के बाद ये देखो अच्छे व्यू आने शुरू हो गए, और अभी हम 12 लाचा पहुँचने वाले हैं। 12 लाचा से पहले हमें देखो रास्ते में बर्फ पड़नी शुरू हो गई है, और बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पे, स्नो पूरा स्नो हो रहा है, और आगे जाके आप टेम्परेचर डाउन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो अभी हम 12 लाचा पहुँच के आपको बताते हैं क्या क्या है रास्ते में। अभी सूरज ताल आएगा आगे, और दीपक ताल अभी हमने क्रॉस कर लिया है। तो यहाँ देखो व्यू कितना अच्छा है, सूरज ताल आने वाला है, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम देखो कहाँ आ गए, पांग रह गया 119 किलोमीटर, सरचू पहुंचना है हमें, सरचू रह गया 53 किलोमीटर। ये देखो गाइस, और ये जगह का नाम है पागल नाला। पागल नाला पे आपको बहुत सेफ्टी से निकलना है गाइस, क्योंकि पागल नाला पे कभी भी ऊपर से पत्थर आ जाते हैं, तो आपको बहुत ही सेफली निकलना है। और यहाँ पे बीआरओ के रोड बना रहे हैं लोग, तो बीआरओ वालों के हिसाब से आपको यहाँ चलना पड़ेगा। और आपको कोई मदद चाहिए तो बिहारियों की चौकियाँ हैं यहाँ पे, इन चौकियों से आप मदद ले सकते हो। गाइस आप देखो कितना संघर्ष भरी दुनिया है, और हमारे भारत में क्या क्या है घूमने के लिए। आगे का व्यू दिखाओ, हमारे
ऑडियंस को पता चलना चाहिए कि कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप आ सकते हो मज़े करने के लिए, बहुत ही अच्छा है यहाँ जी। आप देख रहे हैं बारह लाचा में हम आ चुके हैं और हमने टी ब्रेक लिया है, चाय हम अपने साथ बना के लाए हैं और यहाँ का व्यू देखो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है। तो गाइस अब हम देखो हमारे पास बारह लाचा में कोई ऑप्शन है नहीं चाय के लिए, तो हम चाय अपने घर से बना के लाए हैं और हमारे पास कप है और यहाँ का व्यू इतना ज़बरदस्त हो रहा है। हालांकि सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो हम लोग यहाँ पहाड़ी हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं है। दूर दूर तक कोई है नहीं यहाँ पे देखो। तो अब हम यहाँ पे टी ब्रेक लेते हैं गाइस, आप भी थोड़ा रेस्ट करो फिर हम आपसे मिलते हैं अभी टी ब्रेक के साथ साथ। ओके जी, चाय पीने के लिए और हमारा टी ब्रेक खत्म हो गया है, हम बढ़ते हैं आगे। ओके, बारह लाचा का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है चारों तरफ, आप देख लो बारह लाचा पूरा जंगल है ये, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं है आपको और यहाँ से जल्द निकल जाना है। बारह लाचा में जितनी जल्दी आप पार हो जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। ओके जी, अब हम जा रहे हैं आगे सरचू के लिए, सरचू में रुकेंगे। ओके बाय बाय बाय। गाइस देखो एडवेंचर धीरेंद्र के साथ आ चुके हैं सूरज ताल, हम आ चुके हैं सूरज ताल में और सूरज ताल का व्यू देखो बड़ा अमेजिंग व्यू है गाइस। आप जब भी ले जा रहे हैं तो सूरज ताल पे ज़रूर रुकें और सूरज ताल का व्यू देखो। और ये दिखाइएगा सूरज ताल का गाइस, गाइस देखो ये देखो यहाँ का व्यू, बर्फ़ मेल्ट हो रही है सूरज ताल में आ रही है गाइस। सूरज ताल बड़ा अमेजिंग व्यू है, अगर आपने सूरज ताल नहीं देखा तो समझ लो कुछ नहीं देखा। बोरे बोरे बोरे। हालांकि थोड़ा सा रोड बहुत ही ज़्यादा डेंजर जोन है ये, बट डेंजर जोन से घबराना नहीं, आपको सक्षम रहना है और अपने मेंटली स्ट्रांग रहना है यहाँ आने के लिए। सूरज ताल देखो गाइस। ओके जी, बोलो। ए गाइस हम पहुँच चुके हैं बारह लाचा में, ये देखो बारह लाचा का व्यू देखो, अभी हम बारह लाचा में आ चुके हैं और लोग रुके हुए हैं, टूरिस्ट के रुकने के लिए यहाँ पे है। हमने रुकना है, यहाँ कुछ है नहीं बारह लाचा में, लोगों को रुकना है तो हम भी यहाँ रुकेंगे, अभी आगे रुकते हैं थोड़ा सा। और बारह लाचा का व्यू देखो गाइस, इधर से दिखाना थोड़ा सा, बहुत ही अमेजिंग व्यू है बारह लाचा में। हालांकि थोड़ा हे गाइस आप पहुँच चुके हैं बारह लाचा और बारह लाचा में सही में स्वर्ग है स्वर्ग, ये ऐसे समझ लो। मुझे तो लग रहा है कि भगवान शिव और इंद्र सारे ब्रह्मांड के लोग यहीं रहते होंगे, क्योंकि ये देखो बारह लाचा आप देख रहे हो, बारह लाचा में कितना अमेजिंग व्यू है और बहुत ही अमेजिंग व्यू है बारह लाचा में गाइस। ये देखो बारह लाचा, गाड़ी मुड़ रही है बारह लाचा में गाइस, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। ये दिखाओ व्यू बड़ा थोड़ा सा, ये गाइस है हिमालय ढाबा और हम पहुँच चुके हैं सरचू में, और सरचू के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा पांग। पांग के बाद हम ले पहुंच जाएंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, पीछे देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। पांग पहुंचने के लिए अभी हमें टाइम लगेगा, तो हम पांग जा रहे हैं अभी, ले बचा हुआ है 252 किलोमीटर 252 किलोमीटर उपसी 202 देखो हम जा रहे हैं जी। अब यहाँ से आपका JNK या लद्दाख लग जाएगा, इसके बाद एंट्री करवानी है यहाँ से सरचू है, ये सरचू के बाद आपको एंट्री करवानी है। एंट्री करवा के यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और बिना आगे बढ़े यहाँ बिना एंट्री के आप आगे नहीं बढ़ सकते यहाँ पे, ये चेक पोस्ट है, इस चेक पोस्ट से आप आगे बढ़ोगे बिना एंट्री करवाए नहीं बढ़ सकते हो। अभी हम आ गए सरचू में, अब यहाँ से हिमाचल ख़त्म हो गया है, अब हम आ गए हैं यहाँ से लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख में आ गए हैं सरचू में, लेह लद्दाख UT में आ गए हैं गाइस। पहले ये लगता था JNK, अभी ये UT बन गया है, तब से हमारा हिमाचल यहाँ से ख़त्म हो गया, अब हम आ गए सरचू के अंदर। तो आपको आगे बोर्ड दिखाते हैं जहाँ लिखा होगा वेलकम टू लेह लद्दाख या कुछ, आगे दिखाते हैं आपको। पहुँच चुके हैं सरचू में, ये देखो सरचू, सरचू का बोर्ड आ गया है यहाँ पे, अभी हम सरचू में आ गए हैं
और यहाँ रास्ता थोड़ा सा खराब है। गाइस आप देख रहे हो ये नया पुल बनना है, आगे 2-3 महीने में ये पुल कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमें ये ख़राब रास्ता क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ता है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं ले ये वाली है जिससे हमने अभी बात करी। यस यस अच्छा पूरी आनी चाहिए इधर, चलो गुरु 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 वन वन वे, चलो वन वे है ना, ओनली वन वीक करें वन टाइम। और नया पुल बनना है अभी, थोड़ा सा रास्ता खराब है, सामने देखो सामने थोड़ा रास्ता खराब है, तो खराब रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं हम। बहुत ही मजा आ रहा है ले की ट्रिप में, तो अब हम ले यूटी जब से बनाए चल। यस तो गाइस आप देखो ये सरचू आ गया है, सरचू से देखो यहाँ पे फिर से एक चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमें गाड़ी चेक करवाने के लिए रुकना पड़ेगा। तो गाइस देखो हम कहाँ कहाँ आ चुके हैं, अब हमें फिर से एक बार जाके वहाँ पे नाम लिखवा के आता हूँ मैं, आप तब तक बनाइए और यहाँ का मज़ा दिखवाइए, मैं अभी आ रहा हूँ। सरचू आ गए हैं, सरचू से यहाँ के बाद ले लग जाएगा, इसके बाद ले लद्दाख लग जाएगा, फिर आपको क्रॉस करना है। ओके यहाँ बिना क्रॉस करे नहीं जाना है, इसके बाद हिमाचल था, ये पीछे पूरा हिमाचल है, आप देख रहे हो पूरा हिमाचल। यहाँ के बाद पहले JNK लगता था, अभी लगता है लेह। लेह जब से UT बना है तब से यहाँ पे आपको एंट्री करवानी है, एंट्री करवा के आगे जाना है। तो गाइस गाइस हम जा रहे हैं लेह लद्दाख, और रास्ते में देखो पांग से पहले क्या अमेजिंग व्यू आया है, ये देखो व्यू, ये रेत के पहाड़ हैं, इतनी ठंड में रेत के पहाड़। गाइस आप लोग शादी करने के बाद घरों में बैठे हो आराम से, आपने अपनी ज़िंदगी चेंज कर ली है, मेरे जैसा शादीशुदा बैचलर आपने पहली बार देखा होगा जो पूरे भारत में घूम के मज़े कर रहा है। और देखो यहाँ का व्यू, ओ माई गॉड अमेजिंग, मेरी गाड़ी और मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हम आ गए पांग में, एंजल की दुकान मिली है, हम यहाँ पे मैगी खा रहे हैं, यहाँ आप मैगी खा सकते हो, चाउमीन खा सकते हो, यहाँ खाने का और रहने की व्यवस्था है,
यहाँ आप थोड़ी देर आराम करके फिर बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप मनाली से आते आते बहुत थक जाते हो। बहुत से लोग सरचू में रुक जाते हैं, बहुत से लोग पांग में रुकते हैं, बहुत से लोग डायरेक्ट ले जाते हैं। तो अभी हम रुके हैं पांग में, पांग में हम अंकल की दुकान में रुके हैं। यहाँ पे हमारे लिए बढ़िया सी मैगी बना के दे रहे हैं। मैगी बना के हम थोड़ा सा यहाँ पे आराम करेंगे, आराम करने का फिर आगे बढ़ेंगे। इस अंकल की दुकान में हमें मैगी मिल गई है, ये देखो हमारे पास मैगी आ गई है, ये लेना। ये देखो हमारे पास बहुत ही अमेजिंग मैगी है, और देखो बहुत अमेजिंग है, इसमें से आधा मेरा है, आधा आप ले लो। और पांग में आप रुको, यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपको मैगी मिलेगी। बोलो ना, आप बोलो पहले, इंट्रोड्यूस करो। गाइस हमें पांग में दीदी मिली, इन्होंने हमें भी खाना खिलाया, परौंठे खिलाए और सब्जी खिलाई, और बहुत अच्छा लगा। ये भैया आए साथ में हमारे, और मैंने भी आधी मैगी भी खाई। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपने हमें खिलाया। आप देख रहे हैं, अब हमारा पैसा बराबर हो गया, ड्राइवर का भी 10 रुपए आ गया, आपको पानी का भी 20 रुपए आ गया। और अब कोई तुम्हारा फिर भी कोई हो, मुझे बताओ कैसा रहा ले का टूर आपका? ऐसे देंगे तो ऐसे बहुत अच्छा रहा, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। हाँ, और हैंडलिंग बहुत है, बहुत है। इसके लिए आप लहसुन छिलके अपनी बोतल में रखो, उस लहसुन छिलके अपनी बोतल में रखने होते हैं, हमने रखे हुए हैं। अच्छा, वो थोड़ी थोड़ा सिप सिप करते रहना, उससे ऑक्सीजन की कमी। हाँ जी, मैं अभी लाता हूँ बोतल। गाइस मैं हूं एडवेंचर धीरेंद्र, जो कि सुबह चला था मनाली से, और अभी पहुंच चुका हूं तंगनगला पास। और तंगनगला पास आप देखो 17,582 फुट की ऊंचाई पे हूं, और यहां का व्यू देखो, ये मंदिर है। जय हो जय हो जय हो, और बहुत ही अमेजिंग व्यू है यहां पे। सामने देखो लेह लद्दाख की पहाड़ियाँ, ओ माई गॉड, ये आया बहुत ही अल्टीमेट 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 जगह। देखो गाइस ये है तंगनगला पास, अब हम जा रहे हैं लेह के लिए। ओके जी बाय। गाइस देखो लापरवाही, लेह लद्दाख में आके लापरवाही करना कितना महंगा पड़ता है। लापरवाही के साथ बिल्कुल ना चले यहाँ पर, है ना। गाइस हम आ गए हैं रुमसे में, ये देखो रुमसे गए, छोटा सा टाउन है। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं और रेस्टोरेंट हैं, तो यहाँ रहने के लिए भी आपको अच्छा है। रुमसे हम हैं अभी रुमसे में, बहुत ही अच्छा छोटा सा गांव है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे रह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे बने हुए हैं, देखो ये होम स्टे बने हुए हैं, तो होम स्टे में आप रुक सकते हो। अगर आप ले जाने के लिए लेट हो गए तो रुमस्ते में रुक सकते हो गाइस। ओके जी, रुमस्ते का दिखाओ जरा बाहर, पास हो गया जी। देखो हम सुबह 7 बजे चले थे मनाली से, और शाम के 7:30 हो रहे हैं, हम आधा घंटा लेट हो गए, क्योंकि तो पीछे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था, हम वीडियो में आपको दिखा देंगे। तो हम आधा घंटा लेट हो गए, तो हम देखो आ गए हैं, अब हम आ गए लेह में। वेलकम टू लेह। तो गाइस हमारा लेह का सफ़र शुरू हो गया, और लेह में हम आ गए हैं, तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल। बाकी वीडियो हम आपको अपने होटल में जाके दिखाते हैं कि हम कौन से होटल में रुके हैं और कैसी वहाँ की हॉस्पिटैलिटी है। तो देखते हैं जाके होटल में, जाके हम देखते हैं वहाँ पे क्या क्या हमारी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो हम लेह में आ चुके हैं गाइस। ओके जी, बाकी हम आपको लोकल साइट सीन आपके पार्ट 2 में देंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिसको भी लेह और मनाली घूमने आना है और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर लें, एडवेंचर धीरेंद्र। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।